हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हिमगुरु नॉलेज पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने वनपाल एवं वनरक्षक भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया है, जिसमें वनपाल के 87 पदों के लिए और वनरक्षक के 1041 पदों के लिए जो है ये अधिसूचना जारी की गई है। तो आज की वीडियो में आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ कि क्या कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाला है, किस तरह से ऑनलाइन प्रोसेस ये रहने वाली है। तो वीडियो को एंड तक देखना, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण ये होने वाली है। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। सबसे पहले दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे जो पोस्ट का नाम रहेगा वो वनपाल रहेगा और वनरक्षक रहेगा, यानी कि फॉरेस्टर और फॉरेस्ट गार्ड के यहाँ पे पदों के लिए जो है आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। यहाँ पे अगर मैं पोस्ट की बात करूँ तो वनपाल के 87 पद हैं और फॉरेस्ट गार्ड की बात करूँ तो 1041 पद हैं। वहीं अगर कैटेगरी वाइज बात करूँ तो जो गैर अनुसूचित क्षेत्र है और अनुसूचित क्षेत्र है, दो वर्गीकरण यहाँ पे किए गए हैं। और गैर अनुसूचित क्षेत्र में वनपाल के 73 पदों पर और वनरक्षक के 886 पदों पर यहाँ पे जो है अधिसूचना जारी की गई है। और वहीं अगर अनुसूचित क्षेत्र में बात करूं तो वनपाल के 14 पदों पर और वनरक्षक के 155 पदों पर जो है ये अधिसूचना जारी की गई है। तो दोस्तों, यहाँ पे जो है कुल मिलाकर वनपाल के 87 और वनरक्षक के 1041 पदों पर ये अधिसूचना जारी की गई है। अब इसमें दोस्तों आवेदन प्रक्रिया जो रहेगी वो ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया रहेगी। इसके लिए आपकी SSO जो ID रहेगी वो आपको सबसे पहले बनानी है, उसके बाद उसका जो सब कुछ याद रखना है, अपनी ID लॉगिन करना है, उसके बाद जो भी डिटेल्स है वो आपको फिल करनी है और सबमिट कर देनी है फॉर्म। इससे पहले चलिए दोस्तों कुछ जान लेते हैं बेसिक से डिटेल जो आपके लिए जानना जरूरी है कि क्या कुछ यहाँ पे एप्लीकेशन फीस रहने वाली है, साथ में दोस्तों यहाँ पे एज लिमिट क्या रहने वाली है और पैसे प्रोसेस क्या कुछ रहने वाली है। तो दोस्तों यहाँ पे अगर मैं परीक्षा शुल्क की बात करूँ, एप्लीकेशन फी की बात करूँ, तो आपको यहाँ पे जनरल कैटेगरी और जो आर्थिक रूप से कमजोर है उनको यहाँ पे भरना पड़ेगा ₹450। जी हाँ दोस्तों, जो सामान्य वर्ग है उनको ₹450 यहाँ पे देने पड़ेंगे, फीस उनके लिए रहेगी। इसके अलावा जो पिछड़ा वर्ग है, ठीक है, जो बैकवर्ड क्लासेस हैं राजस्थान के जो रहते हैं, ठीक है, नॉन जो किमलियर श्रेणी है, उनको ₹350 भरने पड़ेंगे यहाँ पे फीस के रूप में। और वहीं अगर मैं बात करूँ राजस्थान के जो अनुसूचित जाति हैं, ठीक है, या जो समस्त विशेष योग्य जन है, उनको ₹250 यहाँ पे देने पड़ेंगे, यानी कि ₹250 देने पड़ेंगे। तो यहाँ पे फीस का शेड्यूल मैंने आपको बताया, जो फीस शेड्यूल रहने वाला है, ठीक है। तो चलिए आगे थोड़ा जान लेते हैं इसके बारे में। दोस्तों यहाँ पे थोड़ा वर्गीकरण किया गया है, जो आपका वर्गवार आरक्षण दिया गया है, ठीक है, किस तरह से गैर अनुसूचित क्षेत्र में आरक्षण दिया गया है, ठीक है, और इसके अलावा दोस्तों किस तरह से अनुसूचित जो क्षेत्र है उसमें आरक्षण दिया गया है, किस तरह से सीट्स का आवंटन किया गया है, ये सारी डिटेल यहाँ पे दी गई है, वो आप जो है नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों एज लिमिट सबसे इंपॉर्टेंट रहता है कि एज लिमिट क्या रहने वाली है। मैं आपको बता दूं कि मिनिमम एज इसमें जो है 18 वर्ष रहने वाली है, ठीक है, फॉरेस्ट गार्ड की बात कर रहे हैं, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे जो है वो मैक्सिमम 24 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए फॉरेस्ट गार्ड में, ठीक है। और वहीं अगर मैं बात करूँ यहाँ पे फॉरेस्टर की, यानी कि वनपाल की, तो यहाँ पे उनकी एज रहने वाली है मिनिमम 18 वर्ष और मैक्सिमम जो उनकी रहने वाली है वो 40 वर्ष से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो ये एज लिमिट रहने वाली है। साथ में दोस्तों मैंने आपको जो है फॉरेस्टर की भी बता दी, ठीक है, और फॉरेस्ट गार्ड की भी बता दी। तो चलिए दोस्तों अब जान लेते हैं थोड़ा सा वेतनमान की बात कर लेते हैं, ठीक है। सैलरी इनकी अगर सैलरी की बात करूँ तो जो राज्य सरकार द्वारा दे है 7वां वेतन आयोग, उसके अनुसार जो है वो सब कुछ यहाँ पे दिया जाएगा, ठीक है। पे मैट्रिक्स लेवल 4 निर्धारित की गई है इसके लिए, ठीक है, और ये वन रक्षक के लिए की गई है, और पे मैट्रिक्स जो लेवल 8 है वो की गई है आपके पास वनपाल के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो है पात्रता और शैक्षणिक योग्यता की बात कर लेते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें रहता है। अगर वनपाल की बात करूँ तो वनपाल में आपके पास जो है वो सीनियर सेकेंडरी +2 होनी चाहिए, ठीक है ना। और या फिर दोस्तों आपके पास जो है वनरक्षक की बात करूं तो इसमें भी आपके पास जो है मान्यता बोर्ड प्राप्त बोर्ड से माध्यमिक या उसके समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए जो आपके पास रहती है, ठीक है। तो ये सब कुछ यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहने वाली है, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों आपके पास कुछ यहाँ पे शारीरिक मापदंड भी दिए गए हैं, जो फिजिकल यहाँ पे मेजरमेंट दी गई है, ठीक है, पुरुष के लिए ऊंचाई क्या रहने वाली है, चेस्ट की क्या रहने वाली है, सब कुछ यहाँ पे डिटेल आपके पास दी गई है, वो आप नोटिफिकेशन में पढ़ सकते हो। अब यहाँ पे बात करते हैं कि कब से ये शुरू हो रही है
फॉर्म फिल करना, तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि फॉर्म फिल करना जो है वो 8 दिसंबर से शुरू हो रही है। जी हाँ दोस्तों, 8 दिसंबर 2020 से आप जो है फॉर्म भर सकते हो। इसके लिए पोर्टल यहाँ पे खुल जाएगा और यहाँ पे जो है फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट जो होगी वो 7 जनवरी 2021 तक होगी। तो 7 जनवरी 2021 तक आप फॉर्म फिल कर सकते हो। तो दोस्तों ये पूरी डिटेल रही है यहाँ पे वनपाल और वन रक्षक की भर्ती के लिए 2020 की जो भर्ती रहेगी, यानी 2021 तक ये भर्ती जो हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो इस तरह की वीडियो के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल पर आपको मिलती है जॉब्स रिलेटेड अपडेट और साथ में एजुकेशन रिलेटेड वीडियोस। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।